वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बस से, क्योंकि हम लोग ऐसे थोड़े से लेट हो गए थे रूम पे निकलते वक्त। हम लोग जा रहे हैं आज वापस सोलन, क्योंकि जनाब ने 2 दिन की छुट्टी ली है, क्योंकि इनका क्या है कुछ काम है सोलन में, तो इसलिए हम लोग सोलन जा रहे हैं। तो मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर ही देती, इतने दिनों से वैसे ही मैंने स्टार्ट नहीं किया था, सोलन तो जा ही रहे हैं, ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो अब चले हम लोग सोलन। अभी तक हम लोग चंडीगढ़ से बाहर ही नहीं निकले, अभी तो हमने ट्रिब्यून चौक क्रॉस किया है। हम लोग अभी पहुंचे, अरे कहाँ पहुंचे? सनवारा नहीं, हाँ जावली पहुंचे हम, क्योंकि आज ही कहीं और रुकी है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अदरवाइज जैसे दूसरे स्टॉप से उधर रुकती है ना, तो आज थोड़े दूसरी जगह पे रुकी है। तो हम लोग उतरे, बोले 15 मिनट रुकेगी, उन्होंने कहा ठीक है चल कुछ खाते हैं पीते हैं चलते हैं। तो गाइस क्या बोल रहे हो? तो हमने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि जनाब का एक ही सोलन पहुंच के ही खाएंगे। अभी बस ये थोड़ी सी चटर चीज़ें ले ली, अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपनी बस के पास। हाँ है पार लगे आगे बस ड्राइवर कंडक्टर और अब चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो फाइनली हम लोग सोलन पहुंच चुके हैं, और हम लोग यहाँ डीसी ऑफिस के पास ही उतरे, क्योंकि ये बस बड़ू साहिब को जा रही है। चलो तो जैसे कि हम लोग सोलन पहुंच चुके हैं, हम लोग सोलन पहुंचते ही सबसे पहला काम खाने का, क्योंकि जो इनका काम था उन्होंने पूछ लिया कि क्या है उसकी फॉर्मेलिटीज़। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, आपके पास जो है वही है, वो हो गया क्लियर। हम लोग अब फटाफट से खाने आए। इतने टाइम बाद आज मैं थुप्पा खाने वाली हूँ। अरे लास्ट टाइम मैंने कब खाया था मेरे को ये भी याद नहीं है। लाइसेंस के लिए कुछ काम है, तो आप मुझे बोल तो एक मंगा दी मैंने, वो तो फाइल के लिए बोला था। जाएंगे ना 5:30 के नीचे। चलो देखते क्या बनता है इनका, बाकी तभी पेट पूजा करते हैं। तो जनाब ने ऑर्डर किया है राजमा राइस, इनका तो आ भी गया और जनाब तो लग भी गए खाने। तो ये लो जी हमारा थुप्पा भी आ चुका है। सो गाइस खाना पीना हो चुका है, और अब हम चले डीसी ऑफिस, क्योंकि जो काम है वो करवा ही देते हैं, बोल रहे हैं बाकी वहीं वहीं पे जाके पता लगेगा कि क्या है। चलो अब पीछे जा रहे हैं हम लोग डीसी ऑफिस। तो अभी जनाब को फाइल लेनी है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए। तो हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन, सोलन के रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इधर से शॉर्टकट है नीचे के लिए। है आप कितने टाइम बाद आ रहे हो उधर से? यो हम रास्ता नहीं है, सीधे सीधे चलो आगे। 10 साल बाद चल ना, 10 साल तो ज़्यादा ही हो गए। 2013 से ये 2013 से चंडीगढ़ है, और मैं 2013 से सोलन हूँ। और किस्मत देखो इस साइड को आया आराम से। हाँ ये तो बाइक नहीं है ना, तो इसलिए एक्सप्लोर हो रही है चीज़। चल लो ना 15 का। हाँ तो बाइक कब की है? 2016 की। तो 2000
बंद कर दिया, जब स्कूल ही बंद हो तब आते थे हम 2011 में आते थे 12 बजे यहाँ। और हम तो थिएटर टाइम पे भी इधर से आते जाते थे क्योंकि रिहर्सल के लिए जाते थे। 12 के बाद कभी नहीं आए इस साइड से। हाँ तो वही ही 12 साल है ज़्यादा नहीं। चलो ये भाई कीड़ी को तेन में अभी तो भाई आगे ऊपर कीड़ा है। हाँ पागल जैसे पागल है दोनों। हाँ फेड़ू स्कूल टाइम में बहुत खाए हुए हिमालयन स्कूल में। पेड़ पे चढ़ चढ़ के खाए हुए। कुंकू है वो कुंकू है कुंकू ये देखना ही ऐसे इंसान है जिनको लगता है मुझे पता ही नहीं होगा बचपन में हमने भी खाए हुए भाई। ओ ओ सच्ची नहीं तोड़ो यार इतनी मैं बच गई क्या रे आपको क्या लगता है मेरे को नहीं आता तोड़ना हमने भी तोड़ के लाए हुए बचपन में दूसरों को इसकी दवाई भी साथ में होती है। इसकी दवाई तो कुछ और होती है कैसे है ना ये देखो 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 हरकतें देखो इनकी ठीक हो गया जिट्टे ये नीचे को नहीं यहाँ से आगे से नीचे को रास्ते ही थोड़े दूसरे दूसरे हो गए जब काफी टाइम बाद आते हैं। अच्छा घर जाना और कहाँ जाना अब वहाँ वापस को थोड़ी ना जाना वहीं से नीचे से। अरे आज हमारा एक और प्रोग्राम था कि शॉपिंग करेंगे बट हम लोग ऐसे ही हो गए लेट तो नहीं अजीब सही है कल देखते हैं जब ये फ्री हो जाएंगे टेस्ट से ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट से। बाइक तो कर लेना आपने। चलो गाइस अब जाते हैं फटाफट से काम करवाते हैं फिर मिलते हैं। तो वो अपना काम करवा रहे हैं इंक्वायरी पूछ रहे हैं। तो गाइस जनाब का काम हो चुका है फाइल ले ली है और उसको भरना है वो तो कल ही काम आएगी कल ही देना है। हाँ हाँ बस अब तुम्हारे से तो ठीक ही है। इतने बुरे हैं ना ये कसम से। अब हम लोग घर को जा रहे हैं मर मर के क्योंकि इतनी देर से लेकर बस में बैठे हुए थे फिर चले मैं तो पाँव में दर्द होगी हर कहीं छुए जा रहे कसम से कैसे आया मजा। अरे बिच्छू मैं सच में बोल रही यार बहुत जोर से चुपता ही है बिच्छू में छू रहा बेबी जब तक स्वाद नहीं मिला ना तब तक उसे क्या ना इसकी सब्जी खाते है तोड़ रहे ना तुम। हाँ इसकी तुम तो ऐसे बोलो खाई नहीं कभी भाई हद है हमारे तो खाते हैं तो उसके लिए पहले जलाने पड़ते हैं ये पता है पहले अच्छे से भुने आग में फिर पकाए सिटी निकाली फिर वही जैसे साग बनता है यहाँ से तो कुछ नहीं मिलना है। चलो नीचे को बस देखेंगे बस ऑटो तो मिल गया यहाँ से मिल भी सकता है वो देखो नीचे से जा रहा है मिल ही जाएगा। हवा तो ना इतनी मस्त वाली चली है ना। वो ना आई नहीं रहे बस के लिए बोलते नहीं मैंने कहा यहाँ से बस लेते बस में उतर जाएंगे पर बाईपास बोलते आगे रुकवाए मैंने कहा आगे नहीं रुकेगी यहीं पे जाते और ले लेते आते भी नहीं आते आलो नहीं आ रही मैं जा रही हूँ देखो वो नहीं आए तो चलिए नहीं
क्योंकि मेरे को पता है ना यहाँ से हम लोग बस में जा सकते हैं आराम से, उतार भी देंगे वो। अरे मैं तो ऐसे ही हंस रही थी, आगे से अंकल वो कर रहे थे सारे, वो ऐसे हंसे ना यही करके मैं सन ऑटो ऐसे नहीं जाता, वो बुकिंग पे जाएगा। नहीं मैं इनको बोलती हूँ कि हमें बाईपास को उतार देना, बस वालों को आओ ये लो। मैं क्या बोला भैया को बाईपास से बोलते आराम तो हो गए खाली से बस, और वैसे भी मना नहीं करते क्योंकि मैं इससे पहले भी आई हूँ एक दो बार ना, तो मुझे पता है इसीलिए। अदरवाइज मैंने भी नहीं बोला था इनको किधर चलो, नहीं जा नहीं सकते। अरे कसौली जा रही है बस, ये छोटे गया कसौली क्या करना आप। हम लोग बाईपास पहुंच गए 2 से 3 मिनट के अंदर, और अब यहाँ पे गन्ने का जूस पी रहे हैं। जब से यहाँ पे ये लैंड स्लाइड हुआ है ना, तब से यहाँ पे ठीक ठाक जाम लगता है बाईपास पे, इस जगह पे। आज इतने टाइम बाद हम लोग इधर से जा रहे हैं, इनके साथ तो मैं फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ इधर से, क्योंकि अदरवाइज इनके साथ जब भी होती थी तब तो मैं बाइक पे ही जाती थी, और जब कभी अकेले तब मैं चली जाती थी इधर से, बट आज इतने टाइम बाद मैं इधर से चल रही हूँ। आज पता नहीं इतने टाइम बाद बात चीज़ें हो रही है। एक तो ना ये बिच्छू बुट्टी है ना जो इधर सारे में, और ये इनका हाथ चुप ही नहीं रह रहा है, टच किए जा रहे किए जा रहे, खुद को ही लगेगी, लेकिन ऐसे इंसान है ना कि तोड़ के फेंकने की कोशिश कर रहे हैं पागल जैसे, रेलवे ट्रैक होते जा रहे हैं वो बोलना था। पहले हम लोग सोचे थे ऑटो में चलते हैं, फिर इनका पता नहीं दिमाग कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, एक ऐसे पलटते हैं ना ये पता नहीं। मैं तो ऑटो में इसलिए बोल रही थी क्योंकि मेरे को पाँव में दर्द हो रही है आज, और अदरवाइज तो मैं पैदल ही प्रेफर करती हूँ। क्या बोल रहे हो, सारे में लग गई टाइल अब तो। चलो अब पहुँचते नीचे घर। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके रूम, और मम्मी नीचे शॉप में बैठे हुए थे, नीचे एक आंटी भी थे, तो एकदम से मैंने कैमरा बंद कर दिया था, पहले मैं रिकॉर्ड कर रही थी, थक गए यार। तो अभी बज गए 5 और अब बस थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे उसके बाद। सो गाइस हम लोग जैसे कि पहुंचे थे ना यहाँ पे जिस टाइम, उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया और अभी उठे हैं, अब बनाते हैं डिनर, फिर डिनर करेंगे, फिर से सो जाएंगे। आज डिनर में पुलाव ही बना रहे, मम्मी ने कॉल करके बताया कि पुलाव बनाना, तो ठीक है। क्या डिलिया डिलियो, तो अब फटाफट से डिनर की तैयारी करते हैं और बनाते हैं डिनर। तो मैंने खाना बना दिया, जनाब यहाँ पर लेटे हुए और मम्मी भी आगे शॉप बंद करके, और ठीक चाचू भी पहुँच गए, सब चाचू भी आ जाएंगे, खाना खाएंगे फटाफट से। तो गाइस फाइनली हम लोग डिनर करके फ्री हो चुके, चाचू भी आ गए थे, फटाफट से हमने डिनर किया, साफ सफाई होगी, और जनाब देखना फाइल खोल के बैठे हुए और साथ में गेम भी चली हुई है, गेम भी खेलनी है लेकिन फाइल भी है, देखो दोनों काम चले गए। चलो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।